आपने अभी तक TMT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार, TMT न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आमना खान। रेत के अवैध परिवहन को रोकने के लिए सीहोर जिला प्रशासन अब सख्त होता नजर आ रहा है। कलेक्टर के आदेश के बाद आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए रात में रेत का परिवहन कर रहे डंपरों पर लड़ाकू पुलिस ने जब्त करने की कार्यवाही को अंजाम दिया है। सीहोर जिला कलेक्टर करणी शंकर मिश्रा द्वारा रात्रि के समय रेत के डंपरों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक सीहोर द्वारा सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते लाड़कुई चौकी प्रभारी आशीष थिलेटे द्वारा अवैध परिवहन एवं ओवरलोड रेत के डंपरों पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के बाद रेत के डंपरों के कृषि उपज मंडी लाड़कुई में खड़ा किया गया, जिन पर खनिज विभाग द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। ये डंपर श्रीमान SDOP महोदय नसलागंज के निर्देशन में पकड़े गए हैं। सूचना मिली थी कि दो डंपर निकल रहे हैं जो ओवरलोडिंग है। इनके पास रॉयल्टी तो है लेकिन ये ओवरलोडेड है, तो अभी फिलहाल इनके लिए क्या कहते हैं अग्रिम आदेश तक इनका आएगा कोई कार्रवाई। इस पे अगली कार्रवाई खनिज विभाग द्वारा की जाएगी और इसको हमने अभी अनाज मंडी लाड़गुई में रखवा दी है, जो बाद कार्रवाई ही कुछ हो पाएगा इनका।